दोस्तों, आज भले ही आप निरमा यूज करते हो या फिर नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बचपन में देखा गया ये एड आपको जरूर याद होगा। वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी फिल फिल जाए, निरमा ने बांधा समा, वॉशिंग पाउडर निरमा। ये वही निरमा है जो हमारे बचपन में डिटर्जेंट मार्केट का किंग हुआ करता था, लेकिन ऐसी क्या मिस्टेक हो गई कि इसका मार्केट शेयर 60% से ड्रॉप होकर केवल 6% पर रह गया है। लेकिन जरा रुकिए, अगर आपको लगता है कि निरमा मार्केट से गायब हो गई है तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि निरमा के फाउंडर करशन भाई पटेल आज भी भारत के सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। लेकिन वो कैसे, आइए इस वीडियो में हम लोग सब कुछ जानते हैं। और हाँ, निरमा गर्ल की इंटरेस्टिंग स्टोरी को भी आप मिस ना करिएगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मोटिवेशनल स्प्रिंग में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ ही घंटी दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 13 अप्रैल 1944 से, जब गुजरात के पाटण में करशन भाई पटेल का जन्म हुआ था। इनके पिता खोड़ीदास पटेल एक गरीब किसान थे, लेकिन गरीबी और पैसों की तंगी होने के उन्होंने करशन भाई पटेल की पढ़ाई लिखाई से कोई भी समझौता नहीं किया और उन्हें केमिस्ट्री से बीएससी कराई। खोड़ीदास को उम्मीद थी कि उनका बेटा पढ़ लिखकर एक अच्छी नौकरी पर लग जाएगा और उनका परिवार गरीबी से बाहर निकल सकता है। लेकिन करशन भाई पटेल को नौकरी करना पसंद नहीं था, क्योंकि उनका सपना बिजनेसमैन बनने का था। मगर पिता की इच्छा के चलते उन्होंने 21 साल की उम्र में बीएससी फाइनल करने के बाद एक लैब में असिस्टेंट का काम शुरू कर दिया, और फिर इसके बाद से वे अहमदाबाद के लाल भाई ग्रुप के कॉटन मिल्स में काम करने लगे। फिर आया 1969, जब गुजरात सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ माइनिंग एंड जियोलॉजी में उनकी केमिस्ट की सरकारी नौकरी लग गई। और फिर इस नौकरी के चलते परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ा चेंजमेंट आना शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों, 1969 ऐसा समय था जब पूरा देश फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था, और उस टाइम पर लोग दो वक्त की रोटी के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे। दोस्तों, गरीबी और तंगहाली के उस दौर में वॉशिंग पाउडर जैसी चीज एक लग्जरी आइटम समझी जाती थी, क्योंकि अधिकतम जनसंख्या इसे अफोर्ड नहीं कर पाती थी। ऐसे में कपड़े धोने के लिए साल्ट, सोडा या फिर राख का इस्तेमाल किया जाता था। इस चीज को जब करशन भाई पटेल ने देखा तो उन्होंने अपनी केमिस्ट वाली नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसा वॉशिंग पाउडर बनाने की सोची जो सस्ता और इफेक्टिव हो। अपने इस आइडिया को हकीकत में बदलने के लिए वह दिन भर अपनी जॉब करते और फिर शाम के समय वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया करते थे। उसी दौरान एक दिन उनकी बेटी निरुपमा जब स्कूल से घर लौट रही थी तो एक कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, और इस हादसे में निरुपमा की मौके पर ही मौत हो गई। करशन भाई पटेल के दो बेटे और एक बेटी थी। निरुपमा करशन भाई पटेल की सबसे लाडली बेटी थी, इसीलिए उसकी मौत का इन पर बहुत ही गहरा असर पड़ा। करशन भाई पटेल बेटी की मौत से अंदर तक टूट गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बेटी के नाम को हमेशा के लिए अमर बनाने का फैसला कर लिया। उन्होंने खुद से ये वादा किया कि बेटी के नाम को वह इतना पॉपुलर बना देंगे कि उसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी याद किया जाएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने वॉशिंग पाउडर का काम तेज कर दिया, जिसमें कई बार एक्सपेरिमेंट फेल हुए, लेकिन लगातार प्रयास करने के बाद एक दिन आखिरकार उन्होंने उस फार्मूले को ढूंढ ही निकाला जिसने इंडियन मार्केट में एक रिवोल्यूशन ला दिया था। एक्चुअली करशन भाई पटेल ने एक ऐसा वॉशिंग पाउडर बना डाला जो फॉस्फेट फ्री था, और इस वजह से यह एनवायरनमेंट के लिए भी बेहतरीन था, साथ ही साथ हाथों के लिए भी पूरी तरह से सुरक्षित था। दोस्तों, इस वॉशिंग पाउडर का नाम रखा गया निरमा, क्योंकि करशन भाई पटेल अपनी बेटी निरुपमा को प्यार से निरमा कहा करते थे। साथ ही उन्होंने वॉशिंग पाउडर के पैकेट पर एक छोटी सी लड़की की तस्वीर भी लगाई थी जो कि निरुपमा की ही सिंबॉलिक थी। अब दोस्तों, वॉशिंग पाउडर तो तैयार था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसे बेचें कैसे। इसके लिए करशन भाई पटेल कई सारे रिटेलर से मिले और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की कि वे उनके प्रोडक्ट को सेल करें, लेकिन किसी ने भी उन्हें सीरियसली नहीं लिया। इसके बाद से करशन भाई पटेल के पास दो ऑप्शन बचे थे, या तो वह अपने इस प्रोडक्ट को फेंक कर वापस अपनी सरकारी नौकरी में खुश रहें, या फिर खुद लोगों के घर घर जाकर इसे बेचने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पर करशन भाई पटेल ने
ने दूसरा ऑप्शन चुना। हालांकि उन्हें ये आइडिया नहीं था कि इस प्रोडक्ट को कोई खरीदेगा या नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने एक कोशिश करने की सोची और सुबह ऑफिस के लिए निकलने से पहले निर्मा के कुछ पैकेट्स अपनी साइकिल पर बांध लिए और ऑफिस के रास्ते में पड़ने वाले हर घर में उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब शुरुआत में तो उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं मिली, लेकिन जब लोगों ने इनके वॉशिंग पाउडर को यूज किया तो उन्हें ये राख या फिर उस समय मिलने वाली टिकिया के मुकाबले बेहतरीन परिणाम मिले, जिसके बाद से वह अपने आस पड़ोस के लोगों को भी इसके बारे में बताने लगे और इस तरह से वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट के चलते धीरे धीरे निर्मा की सेल्स में इजाफा होने लगा। और इस सफलता का रीजन वॉशिंग पाउडर की बेटर क्वालिटी तो थी ही, लेकिन इसके लो प्राइस ने भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान लीवर, जो अब हिंदुस्तान यूनिलीवर के नाम से जाना जाता है, उसका सर्फ मार्केट को डोमिनेट कर रहा था, जिसके एक किलो का प्राइस 13 रुपए था और इसे खरीदना गरीबों के बस की बात नहीं थी। इसीलिए करसन भाई पटेल ने अपने वॉशिंग पाउडर का प्राइस मात्र 3 रुपए प्रति किलो रखा, ताकि हर कोई इसे आसानी से खरीद सके। दोस्तों, इतने सस्ते प्राइस में जब इतना कमाल का वॉशिंग पाउडर मिलने लगा तो फिर लोगों ने इसे हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, इसकी पॉपुलरिटी के पीछे सिर्फ प्राइस और क्वालिटी ही एकमात्र फैक्टर नहीं था, बल्कि एक ऐसा भरोसा भी अहम वजह था जो करसन भाई पटेल ने अपने कस्टमर को दिलाया था। असल में उन्होंने गारंटी दी थी कि अगर उनका वॉशिंग पाउडर कपड़े साफ करने में फेल हो जाता है तो फिर वह कस्टमर्स का पूरा पैसा वापस लौटा देंगे। इस गारंटी ने लोगों के मन में विश्वास पैदा करना शुरू कर दिया और फिर देखते ही देखते निर्मा हर घर में इस्तेमाल होने लगा, जिसके चलते करसन भाई पटेल को काफी प्रॉफिट हुआ और फिर उन पैसों को उन्होंने वापस से अपने इसी बिजनेस में ही लगा दिया। लेकिन दोस्तों, इस तरक्की से करसन भाई पटेल कुछ खास खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें इन छोटी सी गलियों तक सीमित नहीं रहना था। लेकिन दोस्तों, उनका एम उनसे बहुत दूर था, क्योंकि इस समय वह एक जॉब भी कर रहे थे, साथ ही वॉशिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग से लेके पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग सब कुछ अकेले ही मैनेज कर रहे थे। वो इन सब चीजों में इतने ज्यादा फंस गए थे कि उनसे ना तो ठीक से जॉब हो पा रही थी और ना ही बिजनेस। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब वह सिर्फ एक ही काम पर फोकस करेंगे, जिसके लिए 3 साल बाद यानी 1972 में करसन भाई पटेल ने अपनी हाई पेइंग गवर्नमेंट जॉब से इस्तीफा दे दिया और फिर अहमदाबाद के पास एक छोटी सी फैक्ट्री लगाकर कुछ एम्प्लॉय की हेल्प से प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन काम करने लगे। और कुछ इस तरह से करसन भाई पटेल की मेहनत ने ऐसा रंग दिखाया कि 1988 तक निर्मा मार्केट में एक बड़ा नाम बन चुका था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतने कम समय में निर्मा ने ये कमाल किया कैसे? तो दोस्तों, असल में एक शहर से निकलकर दूर दराज के इलाकों में अपने वॉशिंग पाउडर को सेल करने के लिए करसन भाई पटेल ने निर्मा की रेडियो एडवर्टाइजमेंट करने की सोची, जिसके लिए 1975 में उन्होंने पूर्णिमा एडवर्टाइजिंग एजेंसी से कोलैबोरेट किया। और दोस्तों, यहीं से निकल करके आया कंपनी का मोस्ट पावरफुल जिंगल सबकी पसंद निर्मा, जो कि इतना पसंद किया गया कि इसे अगले 33 सालों तक एड के लिए इस्तेमाल किया गया। इस रेडियो एड की वजह से गुजरात के बाहर भी निर्मा को पहचान मिलने लगी। लेकिन इसके बावजूद सर्फ की पॉपुलरिटी के आगे वो ज्यादा फाइन नहीं कर सकी। इधर शॉप कीपर को भी चिंता रहती थी कि अगर वह निर्मा का स्टॉक उठाते हैं तो वह कहीं दुकान में अनसोल्ड न रह जाए, क्योंकि सर्फ मार्केट में अपनी एक अलग ही धाक जमा चुका था। वहीं निर्मा के बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे, इसीलिए शॉप कीपर निर्मा को कभी भी पूरा पेमेंट नहीं करते थे, जिस कारण कंपनी को भारी नुकसान होने लगा। और 1982 में करसन भाई पटेल को यह लगने लगा कि वह अब बैंकक्रप्ट हो जाएंगे। और फिर इस सिचुएशन में वह सोचने लगे कि आखिर वह ऐसा क्या करें कि दुकानदार फुल पेमेंट करके उनके वॉशिंग पाउडर को खरीदे। बहुत सोचने के बाद उन्हें एक जबरदस्त आइडिया आया और उन्होंने मार्केट में मौजूद निर्मा के 90% स्टॉक को वापस मंगवा लिया। और इसके बाद से कंपनी ने सबकी पसंद निर्मा का अपना पहला टीवी एड जारी किया। और इस एड में हेमा, रेखा, जया और सुषमा जैसे कैरेक्टर्स को डालकर कंपनी ने सीधे फीमेल ऑडियंस को टारगेट किया, जिसकी वजह से ये एड कैंपेन काफी सक्सेसफुल रहा। और ये कमर्शियल एड लोगों को इतना पसंद आया कि अगले ही दिन से दुकानों पर निर्मा मांगने वालों की भीड़ लगने लगी। लेकिन हर बार उन्हें निराश होकर ही लौटना पड़ता था, क्योंकि दुकानों में तो स्टॉक था ही नहीं। इधर दुकानदार भी परेशान हो गए कि आखिर वह कैसे जल्दी से जल्दी निर्मा
दिमाग को रिस्टॉक करें। दोस्तों, करसन भाई पटेल की इस स्ट्रेटजी ने खूब कमाल दिखाया, क्योंकि रोज रोज निर्मा की बढ़ती मांग की वजह से वही दुकानदार जो पहले उधार लेकर भी निर्मा को अपनी शॉप में रखने से आनाकानी करते थे, वही अब एडवांस पेमेंट देकर उन्हें रिस्टॉक करने लगे। इससे कंपनी को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ और निर्मा का फाइनेंस स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ मार्केट में पॉपुलरिटी भी काफी बढ़ गई। लेकिन दोस्तों, जब 1969 में निर्मा को लो इनकम मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया, तो उस समय तक हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रीमियम मार्केट में अपना मोनोपोली क्रिएट कर चुका था। इसी वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीनियर एग्जीक्यूटिव ने निर्मा को अपना कंपटीटर मानने से ही इनकार कर दिया। उनका मानना था कि यह लो इनकम मार्केट हमारा नहीं है और हम निर्मा के टारगेट ऑडियंस तक नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जब उन्होंने इतनी जल्दी निर्मा की सक्सेस देखी, तो उन्हें ये समझ में आ गया कि ये ब्रांड उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसीलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने सोचा कि हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस निर्मा तक तो कम नहीं कर सकते, लेकिन क्यों ना लोगों के दिमाग में ये बात डाल दी जाए कि हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती। इसीलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने उस समय की फेमस टीवी एक्ट्रेस कविता चौधरी से ऐड कराई, जो कहती हैं कि सस्ती चीज खरीदने में और अच्छी चीज खरीदने में फर्क होता है। रवि, ललिता जी, ये पुरानी हाफ पैंट और चलेगी? जी हाँ, थोड़ी बढ़ा दी, हो गई फिर से पहनने लायक। मगर कपड़ा एकदम सही सलामत, आखिर सर्फ से धोती हूँ ना। सर्फ? क्या सर्फ महंगा नहीं पड़ता? बिल्कुल नहीं, ये देखिए, केवल आधा किलो सर्फ पूरे एक किलो सस्ते पाउडर के बराबर होता है। लेकिन दाम? भाई साहब, सस्ती चीज में और अच्छी चीज में फर्क होता है। सर्फ के फायदे भी तो देखिए, सबसे सफेद धुलाई और कपड़े सही सलामत, इसलिए सर्फ की खरीदारी में ही समझदारी है। इस एड के जरिए हिंदुस्तान यूनिलीवर बताना चाहता था कि भले ही उनका सर्फ निर्मा से महंगा हो, लेकिन मार्केट में तो बेस्ट यही है। पर दोस्तों, उस टाइम तक बहुत बड़ी संख्या में लोग निर्मा के लॉयल कस्टमर बन चुके थे, ऐसे में इस तरह का एडवर्टाइजमेंट उनके माइंडसेट को डाइवर्ट नहीं कर सका। दोस्तों, वॉशिंग पाउडर के मार्केट में मिली सफलता के बाद कंपनी ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इंक्रीज करने की सोची, जिसके बाद से 1987 में इसने निर्मा डिटर्जेंट के को भी लॉन्च किया, जो अगेन चीप प्राइस में एक्सीलेंट क्वालिटी प्रोडक्ट था। और दोस्तों, अपने इसी तरह के बेहतरीन प्रोडक्ट की वजह से साल 1988 आने तक निर्मा 60% मार्केट शेयर अपने कब्जे में करके सच में सबकी पसंद निर्मा बन गया था। दोस्तों, दिसंबर 1988 में जब आर पैनल ने सर्वे किया, तो उसमें पाया गया कि निर्मा डिटर्जेंट केक मार्केट में मौजूद बाकी डिटर्जेंट केक के मुकाबले पानी में कम मेल्ट होता है और बेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिस वजह से ये कंज्यूमर के लिए ज्यादा इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों, 1988 में 60% मार्केट शेयर वाले निर्मा के पास 2015 आते आते मात्र 12% मार्केट शेयर रह गया, और 2019 में ये कम होकर 6% से भी कम हो गया। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर निर्मा के साथ ऐसा हुआ क्या कि ये सीधे आसमान से जमीन पर आ गिरा? तो असल में दोस्तों, जब हिंदुस्तान यूनिलीवर ने देखा कि बहुत प्रयास के बावजूद निर्मा उनसे आगे ही निकल जा रहा है, तो फिर ऐसे में उन्होंने लो इनकम मार्केट में भी एंटर करने का प्लान बनाया, जिसके बाद 1988 में इसने व्हील वॉशिंग पाउडर को इंट्रोड्यूस किया, जो कि निर्मा का डायरेक्ट कंपटीटर था, क्योंकि इसका प्राइस भी निर्मा के प्राइस के ही आसपास रखा गया था। दोस्तों, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने व्हील को इस तरह से एडवर्टाइज किया कि लोग ये समझें कि उनके कोमल हाथों के लिए निर्मा अनसेफ है, जबकि व्हील बहुत ही अच्छा है। इस तरह से हिंदुस्तान यूनिलीवर ने लो प्राइसिंग और एडवर्टाइजमेंट के दम पर कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने और निर्मा से दूर करने की भरपूर कोशिश की। लेकिन दोस्तों, उस टाइम पर सिर्फ हिंदुस्तान यूनिलीवर का व्हील ही नहीं था जो कि निर्मा को टक्कर दे रहा था, बल्कि मार्केट में एक ऐसा कंपटीटर भी एंटर कर चुका था जो कि व्हील के लिए भी खतरा बनता जा रहा था, और उस कंपटीटर का नाम था खली डिटर्जेंट। दोस्तों, व्हील के एक साल पहले यानी 1987 में RS
IPL ने घड़ी को लॉन्च किया जिसका प्राइस बहुत ही कम रखा गया ताकि ग्रामीण कस्टमर्स मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास कस्टमर्स को भी टारगेट किया जा सके। और दोस्तों कमाल की बात तो यह है कि घड़ी की स्ट्रेटजी भी निर्मा के जैसे सेम टू सेम थी। अब जब कंपटीशन बढ़ने लगा तो निर्मा अपने हीरो प्रोडक्ट पर ध्यान देने के साथ साथ अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में और भी सक्सेसफुल आइटम्स को ऐड करने की कोशिश करने लगी। इसीलिए 1990 में निर्मा ने अपना साबुन लॉन्च किया जिसका एड उस समय की मशहूर एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे से कराई गई। और दोस्तों निर्मा वॉशिंग पाउडर की तरह इसका भी जिंगल सौंदर्य साबुन निर्मा भी काफी पॉपुलर हुआ। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हसी तुम सबसे जवान। अब दोस्तों इन सभी स्ट्रेटजी से निर्मा को प्रॉफिट तो जरूर हुआ लेकिन इसके साथ ही सस्ते प्रोडक्ट को लॉन्च करना लॉन्ग टर्म में कंपनी के लिए नुकसानदेह साबित हो गया। एक्चुअली सस्ते रेट पर कई अलग अलग प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद से मार्केट में निर्मा को लेकर एक चीप ब्रांड वाला इमेज बनने लगा, जिससे छुटकारा पाने के लिए करसन भाई पटेल ने प्रीमियम सेगमेंट में भी एंटर करने की सोची। और दोस्तों निर्मा अपने प्रीमियम वॉशिंग पाउडर के रूप में सुपर निर्मा वॉशिंग पाउडर को इंट्रोड्यूस किया और केवल 2 साल में ही इसने प्रीमियम मार्केट में भी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। दोस्तों इसके बाद से निर्मा ने शैम्पू टूथपेस्ट और शुद्ध नमक और इनके ही जैसे और भी कई सारे प्रोडक्ट को लॉन्च किया लेकिन शायद हिंदुस्तान यूनिलीवर ने तो ये सोच रखा था कि चाहे निर्मा कुछ भी कर ले वो उनसे अपना खोया हुआ मार्केट शेयर वापस पाके ही रहेगा। इसीलिए लगातार एड कैंपेन और कई तरह के प्रयासों के बाद आखिरकार साल 2000 के आसपास व्हील ने निर्मा को बीट करके नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों निर्मा के पिछड़ने की वजह सिर्फ HUL की एड कैंपेन नहीं थी बल्कि निर्मा को लेकर कंज्यूमर्स का परसेप्शन भी बदल चुका था और कंपनी को प्रीमियम सेगमेंट में उतनी पॉपुलरिटी नहीं मिल सकी जितनी की बजट सेगमेंट में मिली थी। इसीलिए काफी प्रयासों के बाद भी निर्मा एक चीफ ब्रांड होने का टैग रिमूव नहीं कर सका। अब एक तरफ तो उस समय लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही थी, ऊपर से मार्केट में एक से बढ़कर एक नए नए ब्रांड आ चुके थे। ऐसे में कोई भी व्यक्ति भला उस पुराने निर्मा को क्यों ही खरीदेगा जिसमें इनोवेशन के नाम पर कुछ खास नहीं दिखता। असल में लंबे समय से निर्मा ने ना तो अपनी पैकेजिंग चेंज की थी और ना ही एड जिंगल बदलने का कोई प्रयास किया। हालांकि निर्मा को भी शायद मार्केट में बढ़ते कंपटीशन और कस्टमर्स के बदलते परसेप्शन का अंदाजा लग गया था, इसीलिए उसने अपने बिजनेस को अलग अलग सेगमेंट में डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों साल 1995 में करसन भाई पटेल ने एजुकेशन के फील्ड में भी एंटर करने की सोची और अहमदाबाद में निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश किया। इसके बाद 2003 में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और निर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी नींव रखी। और दोस्तों इसी तरह के दूसरे बिजनेस में डाइवर्सिफाई होने के चक्कर में निर्मा ने अपने मेन बिजनेस पर ध्यान देना कम कर दिया जिसका भरपूर फायदा इसके कंपटीटर्स को मिलने लगा। लेकिन दोस्तों अच्छी बात तो यह रही कि लगातार गिरते मार्केट शेयर के बाद भी निर्मा ने अपने एक्विजिशन के रफ्तार को कम नहीं किया और 2007 में निर्मा ने अमेरिका की रॉ मटेरियल कंपनी सियरलेस वैली मिनरल्स को खरीदा और इस एक्विजिशन के बाद निर्मा वर्ल्ड की टॉप 7 सोडा एस मैन्युफैक्चरर्स में एक बन गई। इसके बाद साल 2014 में निर्मा ग्रुप ने राजस्थान के निम्बोल में सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग की भी शुरुआत की और इस कंपनी का नाम रखा गया नुवोको विस्टा, जिसे करसन भाई पटेल के 2 बेटे राकेश और रण भाई पटेल संभालते हैं। और आज के समय नुवोको इंडिया का 5th largest सीमेंट मेकर है। दोस्तों इसके बाद से 2016 में निर्मा ग्रुप में एक और नाम जुड़ गया लाफार्ज इंडिया का, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी लाफार्ज सिम की इंडिया यूनिट थी। इसके साथ ही साल 2020 में निर्मा ग्रुप ने
इमामी सीमेंट को 5500 करोड़ में होल एक्वायर किया था। अब एक तरफ देखें तो कंपनी अलग अलग सेक्टर्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन अपने मेन बिजनेस से हाथ खींचती ही जा रही थी, क्योंकि इस समय तक मार्केट में ITC, यूनिलीवर और गोदरेज जैसे और भी कई सारे कंपटीटर्स आ चुके थे, जिसे बीट करके वापस से अपनी पोजीशन को हासिल करना शायद अब पॉसिबल नहीं रह गया था। इसीलिए निर्मा ने अलग अलग सेक्टर्स में अपने बिजनेस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया और आज निर्मा ग्रुप डिटर्जेंट और सीमेंट के अलावा कई सारे सेक्टर के अंदर काम कर रही है। लेकिन अंत में हम ये कह सकते हैं कि बिना किसी सपोर्ट के इतने बड़े अंपायर की नींव रखना आसान बात तो बिल्कुल भी नहीं थी। और आज करसन भाई पटेल भारत के 63वें सबसे अमीर आदमी हैं और इनकी टोटल नेटवर्थ 3.45 बिलियन डॉलर है। अब वैसे तो करसन भाई की उम्र 80 को टच करने वाली है, लेकिन इनके अंदर का जज्बा और कुछ कर दिखाने की जिद के चलते ये आज के जनरेशन के लिए भी आइडल हैं।